निकाह के लिए लड़की वालों को ये बोलना है कि जैसा अभी मेरी मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे जो है निकाह जो है सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में ही पढ़ना है। अगर मस्जिद नहीं है मतलब तो दूसरी जगह पर कहीं पर भी, लेकिन निकाह मुझे सिंपल सा करना है। निकाह में कोई शादी वगैरह जो बोलते हैं ना वो नहीं करना है, बस शेख के सामने निकाह पढ़ना है, बस इतना ही खत्म, और फिर शाम में वलीमा करना है। तो ये मेरा प्रोसेस है। आपने अपने सवाल में मस्जिद का जिक्र किया, निकाह मस्जिद में, और इससे पहले भी कई दफा लोग जो है ये बात कहते हैं कि हमको निकाह मस्जिद में करना है। देखिए, यहां पर एक गलत फहमी है जिसका दूर करना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी में एक बार मस्जिद में निकाह पढ़ाना साबित है। वो जो सहाबिया आई थी जिन्होंने अपने आप को हिबा किया था, तो एक दूसरे सहाबी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह करवाया। ये सारा मामला मस्जिद में हुआ था। इसके अलावा कभी भी ये साबित नहीं है कि जब निकाह पढ़ाना हुआ हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लान बना करके मस्जिद में गए हों कि चलो मस्जिद में करते हैं, वहां पे निकाह पढ़ाना ज्यादा बेहतर है। लिहाजा अगर आप मस्जिद में निकाह पढ़ा रहे हैं तो जायज है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है मस्जिद में निकाह पढ़ाने में। लेकिन हर्ज इस बात में है कि आप ये समझो कि मस्जिद में निकाह पढ़ाना किसी और जगह निकाह पढ़ाने से ज्यादा अफजल है। अगर आप ये अकीदा रखते हो या आप ये समझते हो कि मस्जिद में निकाह पढ़ाना सुन्नत है, तब ये गलत है। मस्जिद में बेशक आप निकाह पढ़ा सकते हो। कई दफा ऐसा होता है कि गांव में या जिस इलाके में आप रहते हो, सबसे शांति वाली जगह और कुशादगी वाली जगह मस्जिद है, तो आप लोग वहां चले जाते हैं। लेकिन वहां ये समझ के मत जाइए कि ये कोई सुन्नत है। आप मस्जिद में भी निकाह पढ़ा सकते हो, कहीं और भी निकाह पढ़ा सकते हो, तो इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये जायज है, बेला शुभा जायज है।